मैम या बात बात संधि सो फ्यू जो आपके uh, अपर पार्ट में रहती हैं सर्वाइकल उनमें से जैसे एक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्योंकि uh, पंचकर्मा में कुछ कुछ डिजीजेज हैं जिनके हमारे पास जो है काफी केसेस आते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तो आजकल हम ये नहीं बोलेंगे कि एवरी सेकेंड परसन आई थिंक आई विल से इट्स एवरी पर्सन वो बोलता है कि मुझे नेक पेन है तो वो तो अकॉर्डिंग टू मी तो आज की डेट पे हर कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट है ही है सो so, पहले तो थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि ये इसमें होता क्या है तो इसमें क्या है कि जो एज रिलेटेड जो डी जनरेशन होती हैं बोन्स की तो वो वहाँ पे और कार्टिलीजिस की वो वहाँ पे होने लगती हैं और जो डिस्क होती है हमारे जो बैकबोन में जो डिस्क रहती है बीच में उसमें और टियर आ जाता है जिसकी वजह से जो है फिर पेन होने लगता है लेकिन अगर हम देखें कि तो ये जो कंडीशन है एक तो डी जो है एज रिलेटेड डी हम बोल रहे हैं बट पहले क्या होता था कि इट्स एज रिलेटेड ही रहता था अभी क्या है अभी अंडर uh, नरिशमेंट की वजह से या फिर विरुद्ध आहार विहार की वजह से ये हमें आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स के बाद जो अगर किसी का एज जो तो है फिफ्टीन ईयर्स है उसके बाद जो है हमें इसके बहुत से पेशेंट जो है हमें इसके अभी देखने को मिल रहे हैं सो so, um, यहाँ पे तो ये है कि मिडिल एज्ड एंड एल्डरली पीपल कॉजिंग स्पाइनल डिस्क डिहाइड्रेशन एंड श्रिंकेज अफेक्टिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द नेक ज्वाइंट मूवमेंट लेकिन ये चेंजेस जो हैं अब अर्ली एज में आना शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से फिर वो नेक पेन लाइक मिसवेलिंग आपको हेडेक इस तरह के सिम्टम्स जो हैं फिर वो देखने को मिलते हैं कंसंट्रेशन लैक ऑफ़ कंसंट्रेशन वो uh, बहुत ज्यादा हमने देखा है अगर ये अर्ली एज में ये जो सिम्टम uh, अगर आ जाते हैं किसी में सो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज सिम्टम देखने को मिला है सो वो आर वनरेबल पीपल किनको ये हो सकता है जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं जो आई टी प्रोफेशनल्स हैं हर वक्त उनको और कंप्यूटर पर बैठना है एंड आजकल विदाउट कंप्यूटर विदाउट फोन विदाउट लैपटॉप नो वर्क इज लाइक नॉट अलग टू स्कूल इज देयर डिजिटल इज देअर सो अभी वो देखिए कि कहाँ पे हम डिजिटल पे अपनी फिंगर्स जो थे वो एक एज के बाद हम मूव करना शुरू करते थे बट अभी जो है वो तो मीन्स आई थिंक किड विल स्टार्ट आफ्टर वन ईयर वन ईयर भी ज्यादा होगा आफ्टर सिक्स मंथ सो आपकी जो ये वाली जो मूवमेंट रहती है और इस तरह से हमारी जो आर्म्स रहती है सो so वो पूरा इफेक्ट डालती है हमारी बैक बोन पे हमारे जो सरवाइकल um, पे जिसकी वजह से सिम्टम बहुत ही जल्दी देखने को मिल रहे हैं एम्प्लॉयज हु सिट फॉर लॉन्ग आवर्स कंटिन्यूसली लाइफ स्टाइल Means, जैसे आ, इसमें हम मेजरली ले, ले, ले लेंगे आपकी हाउस वाइफ जो रहती हैं हाउस वाइफ्स या फिर अगर स्कूल गोइंग किड्स हैं या फिर दूसरा पर्सन भी है तो वो एक्सरसाइज मतलब लिमिटेड अमाउंट भी एक्सरसाइज जो है वो उनकी लाइफ में नहीं रहता है जस्ट अः डूइंग वर्क सिटिंग वॉकिंग भी नहीं रहती कुछ नहीं रहता तो दिसंटली सडेंट्री लाइफ स्टाइल के अंदर आता है ओल्ड एज पीपल क्योंकि अगेन uh, उनमें जो है एक्सरसाइज की कमी होगी और उनमें तो एक नॉर्मल uh, जो कॉज है हु हैड नेक इंजरीज अगर इंजरीज किसी को हुई हो नॉट ओनली नेक अगर शोल्डर में हुई है बाजू में हुई है तो वो भी पेन्स जो है रेडिएट करती हैं हेड होड वर्कर्स रेलवे पोर्टर्स एंड दोन अर प्रोफेशन वेयर इन देव टू लिफ्ट हैवी लोड्स ऑन अ डेली बेसिस ंग पोस्टर फॉर लॉन्ग आवर्स अभी हम रीजन दे रहे हैं कि जो लोग जो हैं, heavy loads जो हैं, वो, uh, carry करते थे कैरी uh, करते उनको भी है लेकिन लोड्स uh, जो है पहले भी कैरी किया जाता था लेकिन उनमें ये सिमटम्स कम देखने को मिलते थे सो इट्स ए रीजन बिहाइंड रीजन इज न्यूट्रिशन की अगर काम किया जाता है तो न्यूट्रिशन भी उसी हिसाब से बॉडी को चाहिए तो हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि इसमें दोषास दो कैसे इन्वॉल्व हैं और आपने अंडर न्यूट्रिशन जो है कैसे उसको लिया सिटिंग इन रॉन्ग पोस्चर फॉर लॉन्ग आर्स टेली हु हैव मेटाबॉलिज्म रिलेटेड इश्यूज जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें रहते हैं बट कम रहता है कम इंसिडेंट इसमें रहता है द हॉर्मोलर डिसऑर्डर सच एज पोलिसटिकोब्री पी सी ओ एस एंड ऑल द थिंग्स सो जो ये हार्मोनल डिसऑर्डर है uh, ये डायरेक्टली जो है ये इफेक्ट नहीं करता है uh, इस डिजीज़ को मैनिफेस्ट करने में ये जो है इनडायरेक्ट वर्क करता है uh, उसका जो है स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाएगा डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो इस दिस दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट कॉज दिस दिस इज़ इनडायरेक्ट कॉज सो यहाँ पे बोला है दो हु है मेटाबॉलिज्म रिलेटेड इशू सो so, uh, जो अर्ली uh, एज में uh, जो लोग आते हैं ये सिम्टम्स लेके सो इन माई प्रैक्टिसन उनमें डायजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो uh, मतलब वो थी uh, उनको स्टमक uh, ब्लोटिंग उनको रहता था गैस प्रॉब्लम रहती थी एसिडिटी uh, उनको रहती थी तो इस तरह से सिम्टम्स उन पेशेंट्स में होते हैं तो ये एक एक बहुत ही मेजर कॉज है आ, सर्वाइकल पेन हेड एक का ऑरिजिनेट होने का और सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलते हैं सर वी नो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो किस तरह की कंप्लेंट लेके आता है जब पे पंचकर्मा में के, करने के लिए आ रहा है तो उसको पेन रहता है स्टिफनेस रहती है वहां पे नेक में नमनेस रहती है या तो वो पेशेंट बोलता है कि मुझे पेन जो है बाजू में रेडिएट हो रहा है हाथों तक जा रहा है या तो वो बोलता है कि बैक में मिडल बैक तक जो है पेन जो है रेडिएट हो रहा है ठीक है नारिंग ऑफ द स्पेस इन द स्पाइनल केनाल ये तो फिर जब डॉक्टर ने उसको चेकअप किया या रिपोर्ट हम चेक करेंगे तब हमें देखने को मिलेगा वीकनेस इन द हैंड्स तो वीकनेस uh, हाथों में जो रेडिएट हो हो रहा है रही है रही तो हाथों में वीकनेस रहती है अः uh, तो उसको डायग्नोस करना जो है बहुत जरूरी रहता है क्योंकि uh, uh, हमें दूसरी डिजीज के साथ भी इसको uh, डायग्नोज करना uh, जरूरी है जो कि डॉक्टर करेंगे अपने लेवल पे हेड रहता है लॉस ऑफ बैलेंस अनेबल टू कंट्रोल ब्लैडर और सेंसेशन वाल मूविंग नेक जब उनकी कंडीशन जो है काफी क्रोनिक uh, हो जाती है ये तब आता है तो आयुर्वेदा से जो है हम uh, यहाँ पे कैसे देखते हैं क्योंकि हमें जब अः uh, पंचकर्मा ट्रीटमेंट पेशेंट को करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन से दोषस की वजह से जो है पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई है उसके सिम्टम क्या उसको हुए हैं जैसे एक थेरेपिस्ट है हम किसी पेशेंट का अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे वो पंचकर्मा रूम में थेरेपिस्ट आया तो हमें एक्चुअल पता होना चाहिए कि पेशेंट जो है उसको पेन कहाँ पे है पेन जो है उसको कितनी इंटेंसिटी में है ठीक है अगर कोई मूवमेंट उसकी हैम्पर हो रही है तो कितना उसका हो रहा है अगर वो नेक जो है वो घुमा नहीं पा रहा या नीचे नहीं देख पा रहा अच्छे से और किस पोजीशन पे उसको ज्यादा पेन है तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए एक जब हम पंचकर्मा करते हैं पेशेंट पे क्यों पता होनी चाहिए क्योंकि आ जब हम पंचकर्मा करेंगे सपोज हमने फाइव डेज के लिए किया सेवन डेज के लिए किया तो हमें उसकी इम्प्रूवमेंट पता लगनी चाहिए अदरवाइज हमें इम्प्रूवमेंट नहीं पता चलेगी तो बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको खुद से पता नहीं चलता है मोस्टली होते हैं जिनको खुद से पता नहीं चलो कुछ क्या करते हैं कि अच्छा नहीं जी हमें ठीक नहीं हुआ सो so, इस तरह से भी केसेस आते हैं कि नहीं नहीं हमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बट थेरेपिस्ट को खुद इसकी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए कि स्टार्टिंग फर्स्ट डे से जो है जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो उसको कौन से पॉइंट पे पेन था तो जब हम अभ्यंगम करते हैं या कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रेस करते हैं तो पेन का इंटेंसिटी हमें पता चल जाता है दिस इज एग्जाम्पल तो जैसे जैसे हम सपोज सेकेंड डे हम करते हैं तो वो आ, उसके रिएक्शन से अगर पेन ज्यादा है तो पेशेंट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स रहता है वो अगर हम उसको पूछेंगे तो हो सकता है वो गलत गलतमन लेकिन जो रिफ्लेक्सेस होते हैं अगर हम उनको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशेंट की जो कंप्लेंट है वो कम हो रही है तो इसलिए हमें सब चीजों का पता होना चाहिए जब पेशेंट जो है पंचकर्मा रूप में आया कि उसको जो है आ, हम कौन से ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसको किस तरह से कंप्लेंट है क्या उसको प्रॉब्लम है और कितनी इंटेंसिटी तक जो है उसको प्रॉब्लम है सो so, आयुर्वेदा uh, में जो है ये जो डिजीज है इसमें वात दोष के विशेषण की वजह से ये होती है सो एग्रीवेशन ऑफ वाटर इज द मेन कॉज ऑफ डिजनरेशन ठीक है तो इसमें फिर आपके जो टिश्यूज और जॉइंट्स हैं नए के वो इन्वॉल्व हो जाते हैं वाद की वजह से जो है क्योंकि हम दीज आर द बोन्स ज्वाइंट्स सब है तो वहां पे कफा की वजह से जो है मूवमेंट हो रही है लेकिन वहां पे वाद जो है विशेट हो गया है ड्यू टू तो इट्स विशिएटिंग फैक्टर्स ठीक है जिसमें हमने इंक्लूडिंग कूल एंड फूड फूड लॉन्गिंग लो कंसूडिंग सरवाइकोसिस इंक्रीजेस विद एज क्योंकि जब एज ज्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली ओल्ड एज में हमने देखा है कि वात दोष टॉमिनेंसी रहती है सेवरल फिजिकल कंडीशंस ये हमने सब पढ़ लिया जो जो कॉजेस थे तो वहां पे क्या होता है वात दोष जो है वो विशिएट हो जाता है और वहाँ पे ड्राइनेस और ड्राइनेस क्रिएट करके वहाँ पे डी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देता है तो जिसकी वजह से वहाँ पे पेन पे और स्टिफनेस वहाँ पे डिजेनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट करता है और जो कफ है समटाइम कफ जो है वो टोटली ड्राई हो जाता है तो आपको जो है पेन वाले सिचुएशन जो है पेशेंट में देखने को मिलती है हमें लेकिन समटाइम कफ जो है वहां पे वो अवरुद्ध हो जाता है तो हमें स्टिफनेस रिजिडिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इवन जब हम ट्रीटमेंट uh, हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट का तो हमें हल्की स्वेलिंग भी देखने को मिलती है ठीक है सो अः क्या क्या होता है आपका इट फंक्शन शॉक एब्सॉर्वर जो डिस्क होती है वो बोन्स के बीच में वो शॉक एब्सॉर्वर का, का, का काम करती है लेकिन वही आपके डिहाइड्रेशन में फेज में जा रही है तो ऑब्वियसली

बाद में पढ़ेंगे एक तो वहां पे डिस्क डिहाइड्रेशन होता है जिसकी वजह से जो है ये पेन जो है देखने को मिलती है देन डिस्क डिस्क हर्निएशन हर्निएशन होता है मतलब disc herniation जो अपने स्थान से जो है वो जहाँ पे उसका प्लेस है सपोज दीज आर द टू बोन्स इसका प्लेस ऐसे है तो अपने प्लेस से वो ऐसे हो जाती है तो बल्जिंग आउट भी उसको बोलते हैं और हर्निएशन भी बोलते हैं अगेन इट विल कॉज द पेन ठीक है बोन प्रोजेक्शन बोन्स पर जो ऑस्ट्रियो अर्थराइटिस कंडीशंस में हमें ये काफी देखने को मिलते हैं अगर हम एक्सरे भी देखें अगर आप कोशिश करें कि डॉक्टर के साथ अगर आप खड़े हैं और डॉक्टर जो है एक्सरे देख रहे हैं और कहाँ पे जो है ऑस्ट्रियो अर्थराइटिस का पेशेंट है तो समाइम uh, उसके सर्वाइकल का अगर उसके पास एक्सरे है तो वो आपको बोनी स्पर्स जो है बोन के ऊपर जो प्रोजेक्शन होती हैं वहां पे वो देखने को मिलेंगी लिगामेंट्स में जो है बहुत स्टिफनेस होती है तो वो देखने को मिलेंगे ठीक है सो so, इस तरह से कुछ कुछ सिम्टम्स जो है जैसे पेशेंट जब आता है तो है अब इसमें जो है हमको बहुत ही बैलेंस वे में जो है ट्रीटमेंट करना होता है क्योंकि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिल में वात रहता है लेकिन कफ भी रहता है अगर पेशेंट जो है वो थेरेपी करने के लिए आया है और वो पेन कंडीशंस कंडीशन है तो उसका स्वेलिंग और रिजिडिटी बहुत ज्यादा है तो कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट से हमको स्टार्टिंग नहीं करना है जो उसके कफ को जो है बढ़ा दे तो पहले जो है हमको हमें कफ वाली स्टेट को जो है बैलेंस करना है देन वी हैव टू स्टार्ट विद अदर ट्रीटमेंट्स अदरवाइज uh, वो पेन रिलीफ जो है वो हमें इतने अच्छे से देखने को नहीं मिलता और इसमें हम कौन कौन सी ट्रीटमेंट जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट uh, अभ्यंगम स्वेदन अः uh, पत्रपोटली नस्यम और uh, श, uh, शिरो बस्ती हम इसमें करते हैं शिरोधारा हम इसमें करते हैं ग्रीवा बस्ती हम करते हैं अः uh, हम इसमें करते हैं सर्वांग uh, कषाय धारा हम इसमें करते हैं देन शैष्टिकशाली पिंड स्वेद हम इसमें करते हैं लेकिन शैष्टिकशाली पिंड स्वेद एक वही बात आ गई कि इसको एकदम स्टार्टिंग में नहीं करना है अगर पेशेंट जो है बहुत क्रोनिक है और उसको वहां पे स्वेलिंग नहीं है आ, हमें चेक करना है तो हम फिर शैष्टिकशाली पिंड स्वेद से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां पे क्या होगा वात वहां पे ज्यादा होगा और हमें उसको वात को पेसिफाई करने के साथ साथ भ्रमण भी देना है कि ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा वहां पे वीकनेस आ, आ जाए तो फिर वो क्या करता है श्रष्टिकाली भ्रमण देने का देने का भी काम करता है सो so ये सब ट्रीटमेंट्स हम उसमें कर सकते हैं आई थिंक आप लोग करते भी होंगे आ, सर्वाइकल के तो काफी पेशेंट्स आते हैं करते हो हम्म, करते हो वहाँ पे सर्वाइकल के पेशेंट्स हांजी मैम करते हैं तो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स देते हो ग्रीवावस्थी में ओनली ग्रीवावस्थी अभी अंगम अभी अंगम भी मैम स्नेहन भी कर देते हैं और ग्रीवावस्थी मोस्टली तो यही देते हैं हम ओके अह ओके फाइन तो उसमें uh, बहुत सी ट्रीटमेंट्स रहती हैं ग्रीवावस्थी रहता है आपका पत्र पोटली स्वेद रहता है और सर्वाइकल के अगर पेशेंट हैं तो उसमें अग्निकर्म भी रहता है अग्निकर्म भी भी काफी अच्छा Now, the, uh, भी काफी अच्छा अच्छा इफेक्ट इफेक्ट डालता है है नाउ नेक्स्ट थेरेपी वो डालती पेन के ऊपर अग्निकर्म करते हो मैं वो करते हमने नहीं किया या yeah. और जब हम नस्सीम करते हैं तो सर्वाइकल में ना, बहुत अच्छा है कि अगर हम इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला अगर हम नस्सीम करें तो सर्वाइकल के जो आ, पेन होती है वो काफ़ी अच्छे से आ, ठीक होती है जैसे सपोज हमने आ, पेशेंट को जो है सेवन डेज नस्सीम देना है तो फर्स्ट थ्री डेज हम अनु तेल से नस्म देंगे विद इन इंक्रीजिंग डोज देन नेक्स्ट फोर डेज जो है हम बला तेल से नसीम देंगे विद वन डे इंक्रीज देन थ्री डेज विद डिक्रीजिंग डोज इससे क्या होगा कि आपका जो वात और कफ जो है वो वहां पे अच्छे से बैलेंस होगा और उसका पेन और स्ट्रीफ में दोनों में उसको जो है पेशेंट को आराम मिलेगा और और वहाँ पे हम पिचू भी कर सकते हैं Uh, कई बार क्या होता है कि ग्रीवा uh, ग्रीवावस्थी uh, अगर हमारे पास मटेरियल नहीं है कुछ नहीं है और uh, पेशेंट को थोड़ा जल्दी भी है तो हम ग्रीवा ग्रीवावस्थी छोड़ के हम वहाँ पे पीछू भी कर सकते हैं जैसे हम कॉटन क्वाच रखते हैं उस पर हम ऑयल जो है uh, हम करते रहे मीन्स रिप्लेस करते रहे विद हॉट ऑयल तो पीछू करके भी काफी इफेक्ट वहां पे रहता है हम वहां पे उपनाहा भी कर सकते हैं जो भी इस तरह की हमारी पेन रिलेटेड इशूज रहते हैं अगर हमारे uh, जैसे ज्वाइंट्स हैं सर्वाइकल है बैक पेन है तो उपनाह भी हम वहां पे कर सकते हैं तो हम जैसे एरंड पत्र है उसके उसको हम रख सकते हैं देन आपका कुटम चुकादि चूर्ण आ गया उसका ले बना के आप रख सकते हो जड़ा मयादि चूर्ण आ गया उसका ले बना के जो है हम वहां पे रख सकते हैं फाइन उसके बाद आ, जब पेशेंट आता है तो उसकी पेन पे हमको जरूर फोकस करना है जब पंचकर्म में पेशेंट आप करते हो पेशेंट जब आता है तो उससे कुछ पूछते हो बात करते हो कि कितना पेन है जस्ट उसको भेंगम करके जो है उसको भेज देते हो पूछते हैं मैम नो मैम पहले पूछते हैं मैम नो, नो मैम पहले हेल्थ कैसी है पहले से और कोई हेल्थ कैसी है पहले से और कोई बॉडी पर कहीं आया कहीं बॉडी पर कहीं जो है चोट लगी किसी बॉडी पर ये जरूर करना है देखे और देखे उसको पूछने के साथ साथ अपना भी रिकॉर्ड रखना है कि मैंने जो है आ, इनको इस तरह से सपोज अभ्यंगम या फिर पत्र पोटली हमने करना शुरू किया या फिर पाउडर पोटली कोई भी हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो जब मैंने पेशेंट को स्टार्ट किया था तो यहाँ से स्टार्ट किया था तो उसका रिएक्शन ये था सम टाइम हम किसी पॉइंट पे हम प्रेस करते हैं तो उसे बहुत पेन होता है और बॉडी रिफ्लेक्स शो होता है लेकिन दूसरे दिन क्या था उसका बॉडी का रिफ्लेक्स तीसरे दिन क्या था तो वो हमारे लिए ना एक स्टडी होती है जिसका हमें हमेशा फोकस रखना चाहिए कि पेशेंट को ये ये इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है तो हमारे लिए एक अच्छा चेक होता है कि सपोज अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो हम ट्रीटमेंट चेंज करें या फिर हम डॉक्टर से डॉक्टर को बताएं डॉक्टर जो हैं वो इंटरनल कुछ मेडिसिन चेंज करेंगे या कुछ करेंगे सो so, उस तरह से वो सब चीजें रहती हैं क्योंकि जो इस तरह की डिजीज़ेस रहती हैं आगे भी हम जैसे एक दो डिजीजेस पढ़ने वाले हैं साइनोसाइटिस हो गया फ्रोजन शोल्डर हो गया तो इन सब डिजीज में समटाइम क्या है कि पेशेंट को uh, साथ में दूसरी डिजीज भी होती है उसको हाइपर टेंशन पेशेंट्स को होता है तो कोई पेशेंट्स को जो है थायराइड के इश्यूज रहेंगे किसी को डायबिटीज रहेगा डायबिटीज में भी हमको ये केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं तो टाइम अगर उसको पेशेंट uh, को हम थेरेपी कर रहे हैं और उसको कम रिलीफ आ रहा है सो वी शुड डिस्कस क्योंकि हो सकता है कि उसे जो है इंटरनल किसी मेडिसिन uh, की ज़रूरत होगी बिकॉज एसोसिएटेड डिजीजेस उधर हैं तो हमें उनको भी साथ में मैनेज करना है हो सकता है हमें इंटरनल मेडिसिन डालनी है हो सकता है कोई और थेरेपी हमें जो है इंट्रोड्यूस करनी है तो ये सब चीज़ें हमको जब हम थेरेपी करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है ठीक है और जैसे पेशेंट आपके पास आता है ठीक है पंचकर्मा का पेशेंट एक बार पेशेंट ने पंचकर्मा स्टार्ट किया तो वो डेली तो डॉक्टर के पास नहीं जाता लेकिन थेरेपिस्ट के पास वो डेली आता है राइट right? ऐसा ही होता है ना डॉक्टर के पास तो वो स्टार्टिंग में एक दिन में आएगा उसके बाद उसको सात दिन का ट्रीटमेंट है तो वो दे ज्यादा देशन नहीं या yeah. तो आपको उसको पूछना है कि अच्छा आज आपका कैसा रहा और साथ में ये भी पूछना है कि पिछले कल आपने क्या क्या किया हो सकता है कि पेशेंट बोले कि आज तो मुझे पेन हो रहा है लेकिन उसने क्या किया होगा कोई घर में कोई हैवी वर्क किया होगा या कुछ एक्सर्शन वाला काम किया होगा या रात को वो सोया नहीं होगा टाइम से या फिर उसने मीन्स कुछ तो सिम्टम होश होगी तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें पेशेंट को पूछने हैं ताकि हमें एक हिस्ट्री मिल जाए अदरवाइज मिस डायग्नोज हो सकता है कि अच्छा ठीक नहीं हो रहा हम क्या करेंगे हम अपनी ट्रीटमेंट चेंज करेंगे लेकिन पता चला कि पेशेंट जो है वो खुद ही जो है वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है तो हमेशा पेशेंट से बात करना बहुत जरूरी है फाइन आई कुछ डिस्कस करना था ओके but... okay. जब याद आएगा देना दैनागी सो दिस इज अबाउट सर्वाइकल जिसमें हम ऑल जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स हम करते हैं और किन किन uh, कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज करते हैं वो सब आपको एक्सटर्नल uh, पता ही है कि हम पत्र पोटली में क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं अगर हम धारा देते हैं तो हम क्या क्या करते हैं सो ऑल यू नो वो सेम uh, रहता है क्योंकि वो प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर भी होता है लेकिन ये थेरेपी पे हमें फोकस करना जरूरी है So, next problem is sinusitis, जिसको आयुर्वेदा में पीनस बोला जाता है थर्ड पर्सन इज अफेक्टेड विद साइनोसाइटिस ठीक है बिकॉज क्योंकि जो खाना पीना रहना जो है वो बहुत तो uh, इस वजह से Uh, जैसे मैंने कहा कि सर्वाइकल में जो है हमारे डाइजेस्टिव फंक्शंस uh, का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है वैसे ही साइनोसाइटिस में भी है साइनोसाइटिस uh, में अगर थेरेपी के लिए आपके पास पेशेंट आया तो से uh, हमेशा ये uh, पूछो कि आपका स्टमक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ ठीक है तो उसका स्टमक जो है वो डाइजेस्ट डाइजेशन जो है उसका वो प्रॉपर रहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि साइनोसाइटिस जो डिजीज है uh, मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा कि जनरेट ही आपकी जो है आपके डिस्टर्ब डाइजेशन की वजह से जो है ये स्टार्ट होते टिल दैट टाइम के किसी पेशेंट को जो है इंजरी ना हो गई हो या फिर उसको जो है कुछ बोन एलार्जमेंट ना हो गई हो अदरवाइज इट्स मोस्टली विद योर रिलेटेड टू योर डाइजेशन सो हमें उसके uh, अग्नि पे जो है मोस्टली वर्क करना चाहिए व्हाट so साइनोसाइटिस अगर हम एक मॉडर्न uh, वे में देखें तो साइनोसाइटिस इज द कंडीशन ऑफ इनफ्लेम्ड और स्वॉलन टिश्यूज लाइनिंग जो हमारे इधर जो पार्ट में जो साइनसिस होते हैं तो वहां पे जो इट्स इट्सोसाइटिस साइनोसाइटिस सेल्फ जो है ये आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जहाँ पे आइटिस है तो मतलब वहाँ पे जो है इन्फ्लामेशन हुई है ठीक है तो जो भी वहां पे टिश्यूज हैं उनकी जो है इंफ्लमेशन हो जाती है जो भी कारण जो रहता है उसकी वजह से सो नॉर्मली साइनसिस आर फिल्ड विद एयर बट साइनसिसन साइनसिस बिकम ब्लॉक एंड फिल्ड विद फ्लूड जर्म्स जो भी इंफेक्शन अगर हो गया तो वहां पे इंफ्लमेशन हो जाती है वेन यू हैव अ कंजेस्टेड नोज और कलर डिस्चार्ज विद हेड एक फेशियल पेन और स्वेलिंग अराउंड द साइनसिस यू मे हैव साइनोसाइटिस और इसको हम आयुर्वेदा में जो है पीनस बोलते हैं इट कैन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज एंड सेक्स इट्स वेरी ट्रू ठीक है द कॉमन कंडीशन दैट कॉज साइनस ब्लॉकेज इंक्लूड द कॉमन कोल्ड एलर्जिक रेनाइटिस नेजल पॉलिप्स स्मॉल ग्रोथ इन द लाइनिंग ऑफ जो नेजल पॉलिप होते हैं इट्स स्मॉल ग्रोथ इनसाइड द नोज या फिर डेविएटिव सेप्टम हो जो आपकी कैविटी होती है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गई हो तो इसको हम जो है डेविएटेड सेप्टम बोलते हैं ये सब इसके कारण रहते हैं तो इसके जो है टाइप्स हम किस तरह से लेते हैं सैन्योसाइटिस के हम चार तरह से को देखते हैं एक तो साइनोसाइटिस फिर सब एक्यूट साइनोसाइटिस क्रोनिक साइनोसाइटिस एंड रिकरेंट साइनोसाइटिस एक्यूट साइनोसाइटिस जो होता है अचानक से जो है पेशेंट वो आया वो कह रहा है कि मेरा जो है नोज जो है नोजी हो गया है एंड पेन हो रही है फेशियल में में हेड पेन हो रही है तो ये एक्यूट रहता है और इसके सिम्टम्स जो हैं वो पंद्रह दिन या फिर एक महीने तक जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं लेकिन इसमें जो है एकदम से हम जो है अपने जैसे नसम अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो एकदम से जो है एक्यूट साइनोसाइटिस में हम ट्रीटमेंट नहीं देते सॉरी फर्स्ट उसको जो है इंटरनल मेडिसिन देके उसका आम पाचन करते हैं क्योंकि वहां पे जो है कफ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ रहता है तो एकदम से हम दूसरा ट्रीटमेंट नहीं देते देन सेकंड सेकेंड सेमिसाइटिस है जो आपका इन्फ्लामेशन जो है वो दो महीने या फिर दो महीने से थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड रहता हो क्रोनिक में फिर जो है उसके बाद अगर दो तीन महीने के बाद भी पेशेंट जो है वो उसको साइनोसाइटिस लगा हुआ है उसको सिम्टम्स है मतलब uh, तीन चार महीने से जो है पेशेंट को सिम्टम है सो दैट इज क्रोनिक वो हो गया एंड रिकरेंट साइनोसाइटिस जो अगर जो बार बार किसी को जो है साइनोसाइटिस के अटैक्स अगर ईयर में आते हो जैसे जब भी मौसम चेंज होता है सपोज ट्राइस इन अयर तो पेशेंट जो है बहुत से पेशेंट हैं वो साइनोसाइटिस की कंप्लेंट लेके उस टाइम पे आते हैं लेकिन एज अ पंचकर्मा थेरेपिस्ट क्योंकि हमें थेरेपिस्ट uh, पता होती हैं बट डोंट सजेस्ट डायरेक्टली किसी को कि अगर साइनोसाइटिस है तो उसको एकदम से जो है हम सजेस्ट कर लें कि अच्छा आप नजम ले लीजिए डोंट सजेस्ट एनी टाइम बिकॉज उससे हो सकता है कि वो उस पेशेंट को नजम की जरूरत नहीं थी और हमने गलत ट्रीटमेंट दे दिया जिसकी वजह से उसका जो है वो दोषज वहां पे और विशेष हो जाएंगे ठीक होने की वजह से और एक तो एक ही यही रीजन है कि अगर किसी को एकदम एक्यूट हुआ है तो उसको एकदम से नस्यम नहीं देना है। according to my clinical practice. और इसमें हमें सिम्टम्स uh, क्या देखने को मिलते हैं ब्रीदिंग uh, uh, में डिफिकल्टी होती है बिकॉज ब्लॉकेज हुए हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स हेड रहता है रेडिएटिंग पेन इन ईयर्स अपर जो एंटीथ फिवरिश रहता है स्वेलिंग रहती है अराउंड आईज एंड चीक्स बैड ब्रीथ ईयर ब्लॉकेज कफ तो जब पेशेंट आता है तो हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट क्या इन सब चीजों का सिम्टम्स हमें हम हम उसे आ रहे हैं उसने हमें बताए तो जब हम ट्रीटमेंट करेंगे कि क्या इसने जो हमें ये सिम्टम बताए थे क्या इसमें रिलीफ आ रहा है तो इस तरह से हमको पेशेंट पे स्टडी करनी है और खुद भी स्टडी करनी है कॉजेस क्या रहते हैं साइनोसाइटिस के दैट इज इनक्रीज इन ऑफ ड्राई ऑली जो भी हमारा विरुद्ध आहार विहार रहता है तो मोस्टली uh, देखा गया है कि हम सपोज कोल्ड सीजन चल रहा है और बहुत कोल्ड थिंग्स आपने ले ली उस टाइम पे हॉट नहीं लिया और बहुत ही हैवी बहुत ही स्पाइसी फूड ले लिया बहुत ऑयली फूड ले लिया जो स्ट्रीट फूड मोस्टली रहते हैं तो उसकी वजह से डाइजेशन खराब होता है एंड देर इज अक्यूमुलेशन ऑफ जो uh, कफ का एक्यूमलेषन हो जाता है जो ऊपर जो है कफ का जो हम बोलते हैं कि दिस इज द स्थान ऑफ द कफ तो अब वो अपने स्थान पे जाके फिर एक्यूमलेट होना शुरू हो जाता है ब्लॉकिंग करता है उधर hey. पिता मतलब तो fire, fire उसी का काम है वो हमारे हमारा डायजेशन करना तो वही अगर डिस्टर्ब हो गई है वहां पे जो है एक आ, हम इसको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं कि वही डिस्टर्ब हो गई है तो वो दूसरे जो है वहाँ पे उत्तर उत्तर धातु जो है उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से जो पित्त जो है वो बढ़ गया है क्यों, क्योंकि हमने उसी तरह के सेम जो है हमने कॉजेज जो निदानस हैं उनका हमने सेवन किया या फिर उस तरह से हमने व्यवहार किया तो वहां पे स्वेलिंग और इरिटेशन जनरेट हो गई एक्सपोजर टू कोल्ड ड्राई वेदर Staying awake till late night, repeated respiratory infections, deviated nasal septum, nasal polyps, जो हमने पहले देखे, these are the causes. Fine. Now treatment में नस्से is the very good treatment for sinusitis, no doubt. तो जो इसके साथ में हम patient को जब उसका थोड़ा नस्से के बाद हम उसको शिरोधारा भी दे सकते हैं, oil pulling भी करवा, oil pulling मतलब उसको गार्गलिंग करवाना ऑयल के साथ जो है वॉर्म ऑयल लेके उसमें हल्का वाटर वाटर करके उसको गार्गलिंग गार्गलिंग नॉट लाइक दैट जो हम गले में पानी डाल के करते हैं मतलब मुंह में ही पानी लेना है एंड ही टू डू लाइक दिस मतलब मुंह में ही जो है वाटर को करना है नीति <coughs> नेती इज अ वेरी गुड प्रोसीजर फॉर साइनोसाइटिस स्टीम इनहेलेशन स्टीमिलेशन हमें पेशेंट को घर के लिए भी बोलना है और स्टार्टिंग में जो है स्टीम इनहेलेशन जो है आ, अगर पेशेंट फर्स्ट टाइम आपके पास आया है तो उसको दिन में दो से तीन बार लेने के लिए बोलना है स्टीम फॉर टेन डेज टेन टू फिफ्टीन डेज उसके बाद जो है उसकी अगर हमने तीन बार लेने के लिए बोला है स्लोली स्लोली वी हैव टू डिक्रीज तीन से दो करना है देन दो से फिर एक बार करना है ठीक है तो फिर एक एक बार तो उसको स्टीम लेना ही है लेकिन साइनोसाइटिस में मेन जो हमारा हो जाता है कि हमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी होता है जिन जिन कारणों की वजह से जो है हमारा ये एग्रेवेट uh, होते हैं सिम्टम्स तो हमें उनसे प्रिकॉशन लेना जरूरी है एंड पेशेंट को हमें uh, समझाना है उस टाइम पे जिस टाइम पे हम नस्म कर रहे हैं कि कभी उन्होंने नोटिस किया कि अच्छा वो धूल में गए तो उनको स्नीजिंग स्टार्ट हुआ या फिर रनिंग नोज स्टार्ट हुआ या फिर एकदम सन पे जाने बहुत से पेशेंट हैं जो सन पे जाते हैं तो भी उनको स्नीजिंग और हेड जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो इस तरह से हमें उनसे क्वेश्चनिंग करनी है और उन्हें समझाना है जब हम थेरेपी कर रहे हैं पेशेंट को कि ये चीजें जो है उनको अवॉइड करनी है एंड स्लोली और स्लोली जो है फिर जब वो नस्म लेंगे और दूसरा हम ट्रीटमेंट करेंगे तो धीरे धीरे जो है उनके फिर ये सिम्टम्स जो है वो कदम हो जाएंगे एंड यस साइनोसाइटिस हम अच्छे से क्योर कर सकते हैं अपनी थेरेपी के साथ ठीक है डाइट का हमें जरूर ध्यान रखना है साइनोसाइटिस में क्योंकि वो अब मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि ये जो है डाइजेस्टिव प्रोसेस ट्रिगर आ, आ, खराब होने की वजह से ही ये डिजीज को जो है ट्रिगर मिलता है तो जो डाइट रिकमेंडेशन दी जाती है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तो पेशेंट को हमें पूछना है कि क्या वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और योगा योगा तो बहुत जरूरी है योगा आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी जरूरी है सैनोसाइटिस के लिए भी कोई भी हमारे इस तरह से क्रोनिक जो डिजीज अगर हमें होती है बोन्स से रिलेटेड पेन बॉडी में तो उसके लिए योगासनास हमें पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है लेकिन जब हम पेशेंट को योगा के बारे में बताते हैं तो एक थे अगर उसे खुद से अच्छे से बताना आता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट तो ही हम पेशेंट को जो है योगासनास सजेस्ट करें अगर हमें नहीं समझाना आ रहा है पेशेंट को तो जो योगा उनको सजेस्ट कर सकते हैं या एक्सरसाइज उनको सजेस्ट कर सकते हैं तो उनसे हमको उनके पास या तो रेफर करना है या तो उनसे हमें हेल्प लेनी है फिजियोथेरेपिस्ट क्योंकि मैं इसलिए ये चीज बोल रही हूँ जब स्टार्टिंग में पेशेंट होता है राइट एकदम अगर न्यू डिजीज का पेशेंट है एक्यूट तो हमें उसे एकदम से जो है योगासनास पे नहीं डालना पड़ता है हमें उसको पहले जो है बहुत सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करना होता है देर आर फ्यू एक्सरसाइजेस क्योंकि उसने उन पार्ट को अच्छे से यूज नहीं किया है तो उन पार्ट में क्या है वीकनेस आ जाती है जो मसल्स है वहां की वो वीक हो गई रहती हैं तो पहले तो हमें मसल्स को जो ऐसी एक्सरसाइज जो मसल्स को स्ट्रेंथनिंग दे हमें उस तरह की एक्सरसाइज पे डालना होता है पेशेंट को देन स्लोली एंड स्लोली वी कैन प्रोग्रेस टू पेशेंट टू अ पर्टिकुलर योगास एकदम से किसी भी पेशेंट को नहीं बोलना है यू गो टू अच्छा आपको ये धनुरासन करना चाहिए आपको शलभासन करना चाहिए या कोई भी या आप सूर्य नमस्कार करें डेली नो no. हमेशा पेशेंट को सूक्ष्म जो व्यायाम रहते हैं उनसे स्टार्ट करवाना चाहिए उनके हमें रिकमेंडेशन देनी चाहिए मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम या जो भी होगा वो डॉक्टर उनको बता देंगे या फिर अगर आपको अच्छे से आता है आप थेरेपिस्ट हो आपको योगा के भी थेरेपिस्ट हो तो आप बताएंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि आ, हम पेशेंट को बोल देते हैं कि अच्छा आपको पेन हो रही है तो आ, आप कीजिए डेली ओके या तो आप भुजंग कीजिए डेली बैक पेन होती है या सर्वाइकल पेन होती है तो मोस्टली हम पेशेंट को बोल देते हैं कि यू शुड डू भुजंग डेली लेकिन क्या पता कि उसकी मसल जो है वो वीक है उनके लिए हमें किसी और एक्सरसाइज की जरूरत है तो ये एग्जामिनेशन आना चाहिए कि हमें किस तरह से जो है उसको प्रिस्क्राइब करना है ठीक है नेक्स्ट डिजीज इज फ्रोजन शोल्डर जिसको आयुर्वेदा में जो है आप बहुक बोलते हैं हो सकता है कि ये टाइम हो जाए हमारा तो ये कंप्लीट ना हो ये तीन ही डिजीजेज हैं इनमें जो है जो ट्रीटमेंट है तीनों डिजीजेज में वो मोस्ट प्रोबेबली सेम ट्रीटमेंट्स रहते हैं क्योंकि ये तीनों जो डिजीजेस हैं ये आपके वात प्रकोप और वहां पे कफ की वजह से होती हैं फ्रोजन शोल्डर में मोस्टली जो है रहता है वात डोमिनेंसी रहती है बट येस वहां पे कफ का भी अनुबंध रहता है अगर पेशेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टिफनर और रिजिडिटी बोलता है या फिर इवनिंग टाइम में या नाइट टाइम में वो कहता है कि पेन जो है उसका बढ़ गया और स्टिफनेस जो है उसकी बढ़ गई तो वहां पे कफ का भी प्रकोप वहां पे रहता है और इन तीनों डिजीज में जो हमारी ट्रीटमेंट्स रहती हैं वो बहुत ही सिमिलर सिमिलर ट्रीटमेंट्स रहती हैं। टिल द टाइम की पेशेंट को जो है कुछ एसोसिएटेड डिजीज़ कुछ साथ में कोई और डिजीज ना हो किसी को डायबिटीज थायराइड्स की प्रॉब्लम अः हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम तो ये ना हो तो उसके हिसाब से रहता है ठीक है तो अब बाहुक में क्या होता है इट्स अ uh, जो गर्डर शोल्डर गर्डर जो रहता है आमस प्रदेश जो रहता है तो वहाँ पे uh, इसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं ठीक है तो वहाँ पे डीजनरेशन हो जाती है वहाँ पे वात जो है बढ़ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ड्राइनेस हो जाती है और सराउंडिंग uh, में जो है स्कार टिश्यूज फॉर्म हो जाते हैं ठीक है जिसकी वजह से वो पे मूवमेंट करने में जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है